कई बार नया डिवाइस खरीदते हो तो आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आता होगा कि क्या एक नया मोबाइल लिया जाए या फिर एक नया डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप लिया जाए। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा ज्यादा बेहतर होगा तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत बात। लेट्स स्टार्ट। जब भी हम एक नया डिवाइस खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में ये ख्याल जरूर आता है कि क्या एक लैपटॉप लिया जाए, मोबाइल लिया जाए या फिर कोई डेस्कटॉप लिया जाए। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। मान लो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपका काम एक मोबाइल से चल सकता है, यानी कि आपको सिर्फ इतना काम करना है, यूट्यूब पर वीडियो देखने हैं, व्हाट्सअप चलाना है या फिर कोई कॉल अटेंड करनी है, तो आपके लिए मोबाइल डिवाइस सबसे बेहतर है। मगर आप कोई और ज़्यादा काम करना चाहते हैं, यानी कि आप फोटो चलाना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं या फिर कोई और दूसरा काम करना चाहते हैं, जैसे कि टाइपिंग या फिर किसी को मेल भेजना हो या फिर ये काम कोई आसानी से करना चाहते हैं, तो आपके लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप अच्छा रहेगा। अब कई लोग सोचते हैं कि ये काम हम मोबाइल से भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको कहीं जाना हो तो आप लैपटॉप उठाकर नहीं ले जा सकते, मगर मोबाइल को आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। मान लो आपको कहीं जाना है, आप कहीं पर जाओगे तो रेयरली कभी ना कभी महीने में एक या दो बार जाओगे, उससे ज़्यादा कभी कोई रेयर केस होता है कि आपको कहीं जाना पड़ता है, और वहाँ पर भी आपको इतनी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर आपके पास मोबाइल होता है जिससे आप अपना काम कर सकते हैं। आपको आप डेस्कटॉप भी ले सकते हैं, लैपटॉप भी ले सकते हैं। मान लो कई लोग कहते हैं कि लैपटॉप अच्छा होगा क्योंकि हम कहीं को कहीं पर जाना हो तो हम वहाँ पर उसे उठा कर ले जा सकते हैं, मगर डेस्कटॉप को हम कहीं ले जा नहीं सकते। तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि आपको कहीं भी जाना हो तो आपके पास मोबाइल डिवाइस है, उससे आप छोटे मोटे काम कर सकते हैं। आपको वहाँ पर ज़्यादा हाई एंड पीसी की जरूरत नहीं होती। और अगर आपको कोई घर पर काम करना है तो आपके लिए डेस्कटॉप अच्छा रहेगा, मगर आपको कोई उस बैटरी लाइफ, यानी कि आपके घर पर बार बार बिजली आती जाती है, तो आपके लिए लैपटॉप अच्छा रहेगा, क्योंकि लैपटॉप आपको आप किसी भी कमरे में बैठ कर उसे ऑपरेट कर सकते हैं, मगर डेस्कटॉप को आप किसी भी जगह बैठ कर ऑपरेट करना होगा। इसलिए अगर आप घर के यूज के लिए ले रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा लैपटॉप सही रहेगा, मगर आप किसी ऑफिस में रखना चाहते हैं तो आपके लिए डेस्कटॉप अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जितना भी काम आपको किसी भी एक जगह पर करना होता है, इसलिए आपको ऑफिस के लिए डेस्कटॉप अच्छा रहेगा। तो अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा डिवाइस अच्छा रहेगा। मान लो अगर आपको बार बार कोई हेवी काम करना पड़ता है तो आपके लिए डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप अच्छा रहेगा, या फिर अगर आप कोई नॉर्मल काम करते हैं जैसे वीडियो देखना, मूवीज देखना, तो इसके लिए आप मोबाइल अच्छा रहेगा। और कई लोगों का सवाल होता है कि क्या हम हमारे मोबाइल में वो सारे काम कर सकते हैं जो एक डेस्कटॉप में हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल में वो सारे काम कर सकते हैं जो आप एक डेस्कटॉप में करते हैं। मान लो अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है तो वो भी आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग भी अपने अपने मोबाइल में कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई गेम खेलना है तो वो भी आप अपने मोबाइल में खेल सकते हैं। तो ये है मेरा ओपिनियन कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या फिर डेस्कटॉप। इसके हिसाब से आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे आप चूज़ करना चाहिए कि अगर आपको कोई ज़्यादा हेवी काम करना है तो आपके लिए डेस्कटॉप, या फिर अगर आपको कोई नॉर्मल काम करना है तो आपके लिए मोबाइल अच्छा रहेगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों को पता चल चुका होगा आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए या फिर मोबाइल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।